एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है गुड़ी पाड़वा। हाँ, गुड़ी पाड़वा हिंदू नव वर्ष जिसको बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में जब आई तो पता चला कि उसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे इनका भी बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उसको। बाहर पे को आज सबके घरों पे ऐसी लकड़ी, उसके ऊपर मतलब चुनरी, ये सब कलश वगैरह दिखाई देंगे। और उसी के साथ तो मैं अपने महाराष्ट्रीयन दोस्तों को जो भी गुड़ी पाड़वा मनाते हैं उनको गुड़ी पाड़वा का बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू एवरीवन। और जो मेरे पहाड़ी लोग हैं, जो मेरी पहाड़ी फैमिली है, जो मेरी यूट्यूब की पूरी फैमिली है, उन सबको हैप्पी नवरात्र और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे रहे, जो चीज़ की मनोकामना है आपको वो सारी आपकी पूरी हो, आपका हेल्थ बना रहे और आप सब खुश रहें। मैं भी खुश हूँ, मेरे को भी जो मैं खुद के लिए मांग लेती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए भगवान करे मुझे मिल जाए। तो बस आपको पीछे से बैकग्राउंड में सीटी भी सुनाई दे रही होगी, सॉरी अगर आप लोगों को उससे थोड़ा सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो। बट मैंने आलू रखे हैं, मैंने सोचा कि सेफर साइड के लिए आलू बॉइल करने रख दूँ, लगे तो। अभी मुझे ऑफिस भी जाना है और मेरा फास्ट भी है, तो मैंने सोचा कि आलू रख लेती हूँ सेफर साइड के लिए। अगर कुछ अभी बनाना हो ऑफिस में लेके जाना तो मैं कर लूँगी, नहीं तो रात को जब आऊँगी तो फिर भूख लगी होगी तो मैं आलू वगैरह कुछ करके मैं खा लूँगी उसको। तो अभी मैं पहली बात नहाऊंगी, उसके बाद मेरे को पूजा करनी है। पूजा करनी है उसके लिए एक चीज़ बताऊँ क्या, मतलब मेरे पास माँ दुर्गा का फोटो स्टैचू नहीं है क्योंकि छोटा सा ही मैंने अपना मंदिर बना रखा है और उसमें मतलब थोड़े बहुत भगवान रखे हुए हैं और जो बाकी सारे भगवान हैं जितना मैं अपने मन में याद कर सकती हूँ मैं सबको मन में याद कर लेती हूँ, नमन कर लेती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ। और तो अभी मेरे पास नहीं है तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मैं सोच रही थी ये लेने के लिए जाऊँगी। वहाँ शॉप्स भी ओपन हो गई होंगी और फूल वगैरह और बाकी जो भी सामग्री मुझे लगेगी थोड़ी मोटी वो लेके आती हूँ। तो मुझे लेट भी हो रहा है क्योंकि ऑफिस भी निकलना है, तो मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पे उठ के मतलब बेड वगैरह, रूम वगैरह तो सब क्लीन कर दिया जितना मैं कर सकती थी, बाकी मेरी बाई आएंगी और वो करेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट अप एंड गो। मैंने नहा लिया है और अभी मैं जल्दी से निकल गई हूँ, थोड़ा सा लेट भी हो रहा है मेरे को ऑफिस निकलना है, मुझे जल्दी जल्दी में सब कुछ लेना है। यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे था, पर वहाँ पे ऐसा फोटो वाला था, मैं एक बार देख रही हूँ कि मूर्ति वाला कहीं पर मिल जाए तो। इससे छोटे में कुछ है तो दिखा दीजिए प्लीज। ऐसे वाले में नहीं है क्या, जैसे छोटे छोटे गणपति हैं ऐसे में नहीं है क्या? छोटे में कहीं भी नहीं मिल रहे सब, पता नहीं कल ही लेके चले गई क्या, मैं लेट हो गई। मैं भी कल ही आने वाली थी पर मुझे टाइम नहीं हो पाया, यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे जोर जोर से शेरावाली के वजह, तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती। भैया दुर्गा माता की छोटी सी स्टैच्यू होगी, कितना बड़ा है दिखाइए, इतना बड़ा नहीं, मेरे को छोटा चाहिए था, चेक करो ना भैया। बहुत कस्टमर आए क्या, मिल ही नहीं रहा, पता मिल ही नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। फोटो वाला मिल जा रहा है बट मुझे फोटो वाला नहीं चाहिए, मुझे वो ही स्टैचू वाला ही चाहिए, पता नहीं लास्ट में मुझे लगता फोटो वाला ही लेना पड़ेगा। श्रद्धा होती है कुछ भी ले सकते बट मेरे मंदिर के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ कि वो उस टाइप का वहाँ पे फिट होता है, और कोई रीज़न नहीं है। भैया दुर्गा माता का छोटा सा स्टैचू होगा जो ऐसे छोटे वाला है ना, उसमें चाहिए मुझे, ये तो बहुत बड़ा है उसमें नहीं चाहिए। नहीं मिला यहाँ पे भी नहीं मिला। पेमेंट हो गया, थैंक यू। यहाँ पे मुझे मिल गई जैसी मुझे मूर्ति चाहिए थी छोटी सी वैसी मुझे मिल गई, और यहाँ पे दोनों टाइप की थी, पूरा मतलब भगवान का ही बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो मैंने पीतल वाली ली, मैंने वैसे वाली नहीं ली क्योंकि
ऐसे गिरने विरने का थोड़ा डर रहता है, मेरे को पीतल वाली चाहिए थी, तो मैंने पीतल वाली मिल गई, मतलब मैंने जैसे चाहिए थी वैसे मिल गया। अभी जल्दी से जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जल्दी से जाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ और ऑफिस। केले कैसे दिए? एप्पल कैसे दिए भैया? कलिंगर कैसा दिया? 1200 रुपए डजन ही है मैंगोस। ये मैंगो 100 का एक है। वाओ, देखिए आपने कितना, 1200 रुपए डजन, मतलब इतना छोटू सा आम 100 रुपए का एक, और वो इतना टेस्टी भी नहीं होने वाला मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी। पर अभी मैंने फ्रूट्स ले लिए, पूजा की सामग्री ले ली, जो लेने के लिए आई थी भगवान का वो ले लिया। दीदी कहती है कि तुझे हर जगह लेट ही होता है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ कि मुझे लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। घर पे पूजा वगैरह कर ली, आलू बना के ले आई, सेंधा नमक डाल के, और एप्पल लेके आई हूँ और ग्रेप्स लेके आई हूँ। तो अभी जा रही हूँ ऊपर ऑफिस में, आपको पता है कुछ शूट तो कर नहीं सकती हूँ, तो बहुत जल्दी आपसे मिलने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हमारा ऑफिस का वॉशरूम, और फिर यहाँ पर लोग आके रेडी होते हैं। ये ना उसने मेरा बदला ले लिया, जो मैंने इसका खाने का शूट कर दिया था ना, उसका बदला ले लिया। मत कर, इधर से ऐसे फटाफट आ गई थी, इसने मैंने सोचा अभी कर लो। आज वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, ऐसे कम देखने को मिलता है ना मुझे लोगों को। अगैन, तो अभी बज गए हैं 8 और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खा रखा है, कुछ भी नहीं, मतलब मैंने ऑफिस में काम करते करते बैठे बैठे थोड़े से फ्रूट्स खाए थे बस, और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं घर से आलू बना के लाई थी जैसे कि आप लोगों को पता है, पर मेरे को टाइम नहीं मिला, कुछ काम में बिजी हुई थी, और मैं घर भी टाइम पर नहीं जा सकती, थोड़ा लेट ही होगा, 10 बजे तक ही होगा, तो खाने का कुछ अनश्योर ही है। और अभी जो मैं लेके आई हूँ मैं खा लूँगी, एंड उसके अलावा पूजा भी नहीं कर सकती, और बस हेलो, आई एम बैक विद यू। तो अभी लॉग आउट हो रहे हैं, 10 बज गए, तो मैंने वही आलू खा लिए थे 8 बजे, तो उससे पेट भर गया था, अभी तक भूख तो नहीं लगी। यार पता है क्या, मैं मान गई, पता है क्या मतलब होती है सच में, वो पॉजिटिविटी होती है, इतना पॉजिटिव थी मैं आज पूरे दिन भर में, और दिन जो मतलब मेरे दोस्त लोगों जो मुझे जानते हैं वो, मतलब दीदी भी इस चीज़ को समझ सकती है अगर सुन रही है तो, ऑब्वियसली सुन रही है, कि मैं कहती थी मैं भूख कंट्रोल कर लूँगी पर मुझे गैस हो जाएगी, मेरे सर में चढ़ जाएगी, फिर मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आज जय जय माँ दुर्गा, जय भगवान जी, व्रत अच्छे से हो गया, मतलब वीकनेस नहीं थी, भूख नहीं लगी, गैस नहीं हुआ पेट में, मतलब मैं बहुत कम व्रत रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा टेंशन आता है कि नहीं यार मुझे सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा ये वो करके, बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा रहा पूरा दिन। और बस अभी लॉग आउट हो गया, घर जाके कुछ खाऊंगी नहीं, ग्रेप्स भी है मेरे पास, ग्रेप्स लिए थे आज, कितना देना था, 100 के 2 किलो, हाँ 100 के 2 किलो देना था, और जो मार्केट
ये मतलब रोड साइड में 100 के 2 किलो मिल रहे थे। अगर तुम शॉप से स्पेशली लोगे, जो भी मतलब वेजिटेबल या फ्रूट की शॉप होती है, वो लोग 80 रुपीज़ केजी दे रहे थे, मतलब 100 के 1.25 किलो देते शायद वो। बट मैंने 100 के 2 किलो लिए, मतलब मैंने 1.5 किलो लिया, 1/2 केजी मेरी फ्रेंड को चाहिए था। तो अभी पार्किंग में आते आते मुझे वो बेलीज वाला दिन याद आ रहा था कि कितना मेरे को पेन हुआ था उस दिन यहाँ पे, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे पेन हो रहा है। तो वो बेलीज का मैंने क्या किया, मैंने वो बेलीज अपनी मेट को दे दिया, तो मेरी बाइक को मैंने दे दिया। मैंने बोला कि लेके जाओ, मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनको बताया, और उनको फिट हो रहे थे, उनको मतलब अच्छे खासे फिट हो रहे थे, मतलब कि थोड़ा सा लूज हुआ था जो उनके लिए ठीक रहेगा पहनने में, तो दे दिया और वो भी खुश हो गई थी। Ready? डन फॉर द डे, बाय बाय। जिम को बोल रही हूँ बाय बाय, आप लोगों को नहीं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और देखिए वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन है यहाँ पे। मैं देखो ये चेंजिंग रूम, अगर किसी को पर्सनल में कुछ चेंज करना है यहाँ पे। ओ हाँ, ये स्टीम बाथ, मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके वॉशरूम्स देखे कितने क्लीन है। तो आज है थर्सडे, कल वेडनेसडे था, व्रत पहला दिन नवरात्र का, रोज का नहीं रखा है पर आज थर्सडे, थर्सडे मेरा फेवरेट डे, साईनाथ का दिन, रोज बोलती हूँ व्लॉग में, तो थर्सडे आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी जाती हूँ, पूजा वगैरह भी करनी है और खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, बाय बाय। अभी मैं स्टेज से आ रही थी तो मुझे याद आया, एक दिन क्या हुआ, मैं लिफ्ट से आ रही थी ऊपर को, तो लिफ्ट एकदम से बीच में रुक गई, थुर, और रुकी भी कैसे पता है, ऐसे नीचे हो गए, माय गुडनेस, मेरी तो फट गई थी सच में। मैंने सोचा कि आज मैं गई, मैंने मम्मी पापा दीदी जी जो शैनन पूरे परिवार जो भी है सबको याद कर दिया कि गई मैं, मतलब मैंने 5 सेकंड गया तो सबको याद कर दिया, पर एकदम से फिर वो रुकी, फिर से चलने लग गई। मैं तो ज़्यादा रुकी थी, मैं बाहर निकलूँगी, एकदम से फिर से चलने लग गई। तब से तो मैं लिफ्ट अवॉइड ही करती हूँ, मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट हो चाहे यहाँ पे की लिफ्ट हो, मैं काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। Thank you.
सो मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ और बस काम वाम करने के बाद जल्द से जल्द आप लोगों से मिलती हूँ। आती हुई लड़की हम कब से ब्रेक पे जाने का टाइम ढूंढ रहे थे पर हमें ब्रेक पे जाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा बिजी। इतना काम देते ना जितनी सैलरी नहीं देते, जितनी सैलरी नहीं देते उतना काम देते, और जो न्यू हायर्स हैं वो भी आ आ के एक एक करके एक एक पूरे दिन भर में हम जितने अपने चीजें काम नहीं करते उतना उनके उसमें काम करना पड़ता, उनको बता बता के इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। माय गॉडनेस, तुमने क्या कॉमेडी किया था? क्या कॉमेडी किया? जारी सारी अच्छा। मुझे फोन आया था, फोन पे बात कर रही थी। हमारे 12th फ्लोर पे लिफ्ट, 3rd फ्लोर पे निकल गई, मैं बाहर जाके भी बाहर भी चली गई हूँ, देखा नहीं है वहाँ पे जो अंदर आने वाले मुझे देख के आते रहते हैं। क्या खा रही है पता? पता है मैंने आज फास्ट नहीं रखा है, आप लोगों को पता है मैंने आज फास्ट नहीं रखा है, पर फास्ट से कुछ कम भी नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, मैंने थोड़े ग्रेप्स थोड़ा वाटरमेलन बस उतना ही खा रखा है। तूने इतने जल्दी कैसे लिया, वहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन है। चल भी इससे कुछ। हाँ तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं सुबह गई थी जिम, आप लोगों को पता है जिंक, मैं जिम जाते समय थोड़ा वो पी लिया था मैं ड्रिंक, उसके बाद मैं आई, मैंने खाना बनाया, पूजा की, आप लोगों को सब पता है मैंने कितने मतलब क्या क्या काम किया उतने टाइम फ्रेम में, उसके बाद मैं ऑफिस आई, पता नहीं भूख ही नहीं लगी, फिर उसके बाद मैंने वाटरमेलन खाया, मैंने ग्रेप्स खाए बस। और हाँ आपको बता दूँ मैंने कब से, मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:30 आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या टाइम हो रहा होगा, कितने देर भूखी होगी, तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। हमने बोला भैया वड़ा पाव देना है गर्म, तो भैया बोल रहे हैं कि समोसा लीजिए उससे अच्छा। पाव नहीं मिलेगा उससे, कन्फ्यूज़ होगी बेचारी, तो खा नहीं रही है। क्या बोल रही है? जल्दी जल्दी डाल फटाफट। यस स्वाति, आई वॉन्ट आनियन ग्रीन चट, बस बस इट्स टू मच, थोड़ा वापस डाल दे, आई डोंट वांट टू वेस्ट, बस बस दैट मच इज इनफ। मैं खा लूंगी, मैं क्या उसे खा सकती हूँ? रॉ प्याज, नींबू ऐसे हरी मिर्च नहीं दी। नो आई वांट दिस चटनी, दिस इज ऑफ टेमरिन। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई टोल्ड यू, डू यू वांट हैव सम? मुझे वड़ा पाव इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, पर मैं इच्छा नहीं मान रही हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा खाने का। जब तुम सुबह इतना ज़्यादा वर्कआउट करके आई हो, मैंने जिम में इतना टाइम स्पेंड किया है, वर्कआउट किया है, तो ना सच में ना तुम सुबह कुछ करके आते तो शाम को खाने का मन नहीं करेगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा मार के कर रही हूँ, मेरा ऐसा है कि यार इतना वर्कआउट किया नहीं नहीं खाना है, मन ही नहीं करता। चिरा चिरा के बना रही है और दिन तो ऐसे उठा के खा लेती थी, आज भी कुछ इट्स सो टेस्टी, लाइक देयर आर अनियंस, वी हैव दिस रेड चटनी टेमरिन वन एंड दिस इज ग्रीन चटनी हो गया तेरा, एंड कंप्लीट वड़ा पाव एंड नाउ स्वादि देख हाउ नाउ हाउ टेम्प्टिंग इट्स लुकिंग, लाइक हाउ कैन एनीवन से नो टू वड़ा पाव? आई कैन से देखो, स्वाति क्या लाइए
क्या लाई है? मैं ना प्याज उठा के ले आई, क्योंकि मैं खाने के लिए नीचे नहीं आऊँगी, मैं ऊपर ही खाऊंगी पेंट्री में। और मैंने सोचा कि प्याज ले लेती है क्योंकि मेरे पास टिफिन है। सो फाइनली खाना, प्याज लेके आई थी ना चोर के नहीं लाई थी यार, हम खा सकते थे, हमारे लिए रखा था, प्लेट नहीं मैंने ला सकता था तो उसमें डाल के, आप लोगों को पता ही है। तो फिर आ गई हूँ खाना खाने, होपफुली वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो पैंट्री में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। हाँ टाइम हो रहा है 8:30, बता दो आप लोगों को टाइम हो रहा है 8:30। फाइनली मैं खाना खाने आ गई हूँ, खाना हो गया है और कोई वहाँ पे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता वहाँ पे बोलने के लिए, तो बस खाना इतना टेस्टी हो रहा था अपने मुँह में, या मिट्टू बन रही हूँ जो सब्जी बना के लाई थी चने की, वो बहुत टेस्टी हो रही थी, ऊपर से प्याज ने तो मतलब सोने पे सूखा गई कर लिया था, तो मज़ा आ गया खाना खा के। और हैप्पी मी क्योंकि फाइनली लॉग आउट हो गया है, और थर्सडे था, थर्सडे भी चला गया, अब कल आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, संडे वीकेंड। ओके सो तो ये था आज के दिन में और कल का दिन का, आज का दिन का पूरा मिक्स करके मैंने बनाया है। और तो ये सब था मेरे इस व्लॉग में, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज स्वाति की डिजिटल डायरीज। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।